नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर. हम एक कैसी क्वालिटी होनी चाहिए ट्रांसड्यूसर की, वो बात करते हैं. कि फर्स्ट बात करते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए. सेंसिटिविटी क्या, स्मॉल चेंज इन इनपुट भी क्या कर सके, वो डिटेक्ट कर सके. लाइक जितने स्मॉल क्वांटिटी, जितनी हाई सेंसिटिविटी है, मतलब इतनी स्मॉल क्वांटिटी को वो सेंस कर सकता है और आउटपुट जनरेट कर सकता है. तो वो क्या कह रहा है, इट हैज हाई सेंसिटिविटी एंड शुड हैव अ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए जितनी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उतना क्या करेगा, उसकी जो वाइड रेंज क्या हो जाती है, इतनी वाइड हो जाती है, उतना ही स्टेबल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा. मस्ट बी स्टेबल ओवर अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन. मीन्स ऐसा नहीं है, जैसे पोटेंशियोमीटर को हम मेजर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट मेजर के, तो ऐसा नहीं कि वो 1 mm भी मेजर कर सके और 10 cm भी मेजर कर सके. तो एक लार्ज वाइड रेंज के लिए वो क्या कर सके, यूज कर सके. इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एटमोस्फेरिक कंडीशन और द सराउंडिंग कंडीशन. तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आए या जो सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके ऑपरेशन को अफेक्ट कर सके. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो सराउंडिंग की, जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं, चाहे टेम्परेचर और प्रेशर हो, राइट, उसका इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे नहीं आना चाहिए जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट. इट शुड बी मेंटेनेंस फ्री. ऐसा नहीं है कि एक इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया वो एक बार चलेगा, 10 बार चलेगा, उसके बाद फिर दोबारा से उसके पार्ट्स खराब हो जाएंगे या रिप्लेस करने पड़ेंगे. तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए. ट्रांसड्यूसर वंस डिजाइन इट शुड बी यूज फॉर लॉन्ग रन. मीन्स काफी टाइम तक वो चलना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट वर्क करना चाहिए. नेक्स्ट इज पावर कंजम्पशन शुड बी लो. तो पावर कंज्यूम बाय द ट्रांसड्यूसर मस्ट बी लो. जो हीट डिसिपेट हो रही है उस इंस्ट्रूमेंट में वो क्या हो, लो होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल जो कॉस्ट आ रही है, उस जो पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए. उसमें लॉसेस कम होंगे तो इतना क्या होगा, अच्छा ट्रांसड्यूसर डिजाइन होगा. क्लियर.